समय हम मौजूद हैं मोहम्मदी विधानसभा जो कि लखीमपुर जिले में पड़ती है, और आइए जानते हैं 2022 में किसके सिर सजेगा मोहम्मदी विधानसभा का ताज। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश भी हो रही है, सर्दी का मौसम है, सर्दी का टेम्परेचर 12 यानी वो बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से जो विधानसभा इलेक्शन है उसका भी पारा बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम मिलाते हैं मोहम्मदी की जनता से और जानते हैं किसकी चुनेंगे 2022 में यूपी सरकार। आइए एक बहन बैठी है, आइए पूछते हैं 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? योगी आके क्यों जीत सकते हैं? क्या किया है? बहुत कुछ किया है उन्होंने, सब कुछ मतलब सबको दिया है, कॉलोनी वगैरह और मतलब हम लोगों को हर चीज दी है। इसके इलेक्शन मोहम्मदी विधानसभा कौन जीतेगा? दाऊद कौन सी पार्टी कही है? समाजवादी पार्टी का। नंबर दो पे कौन सी पार्टी रह सकती है? बीजेपी। आइए भैया से पूछते हैं, भैया एक चाय बना रहे हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी। क्यों जीत सकती है? आइए भैया से पूछते हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन जीतेगा? विधानसभा यही लोग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? बीजेपी पार्टी जानते हो कि बढ़िया पार्टी है, अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें। क्या अच्छी है, क्या अच्छे काम किए? काम तो बहुत किए हैं, बहुत काम करते हैं। 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। क्यों जीतेगी? बीजेपी के हम लोग पुराने आदमी हैं। पुराने आदमी है, बीजेपी काम अच्छे कर रही है। क्या अच्छे काम कर रही है? नहीं मान रही है, जातिवाद नहीं मान रही कुछ, और इधर राशन फ्री मिल रहा है, जनता कॉलोनी इतनी आ रही है, और टीका फ्री लग जाए बराबर। भैया 2022 कौन सी पार्टी जीतेगी मोहम्मदी विधानसभा? बीजेपी। क्यों जीतेगी? कांग्रेस के हैं कि गल्ला खाने को दे रही है, पैसा दे रही है, और कॉलोनी भी निकाल रही है इसमें बड़े बड़े शहर में, और यहाँ भी निकाल रही है, आदमी कोई तंग नहीं है, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीते। आइए भैया से पूछते हैं, भैया मोहम्मदी विधानसभा 2022 में कौन सी पार्टी जीतेगी? लोगों का एक ही नारा है, बीजेपी सरकार हमारा। बीजेपी सरकार आखिर क्यों? हम लोगों का बस बचपन से ही हम लोग बीजेपी हैं, मोहम्मदी हमारी बीजेपी कट्टर नहीं है, इसीलिए अब आएगी तो बीजेपी आएगी। मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी पार्टी। क्यों जीत सकती है? उन्होंने को विकास नहीं किया। किसने विकास नहीं किया? जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने को विकास नहीं किया। अच्छा, कोई काम नहीं किया है? यार क्या काम नहीं किया बता सकते हैं आप? कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब किसी तरीके का जो विकास काम होते कोई काम नहीं। अच्छा, सिर्फ दिखावा हुआ है, दिखावा हुआ है। 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी। समाजवादी पार्टी आखिर क्यों? जो वो भी है वो काम नहीं किया, नाम बदलते हैं खाली। अच्छा, क्या काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। भैया से पूछते हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी। समाजवादी पार्टी क्यों जीत सकती है? वो काम अच्छे कर रही है। क्या काम अच्छे कर रही है? इस टाइम तो योगी की सरकार है ना? योगी सरकार है। हाँ, तो काम कौन अच्छा कर रही है? बहुत तो कोई नहीं अच्छा कर रही है, कोई नहीं। तो विधानसभा यानी मतलब 22 में कौन सी पार्टी जीत सकती है आपकी? मोहम्मदी। मोहम्मदी से ज़्यादा तक समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही आखिर क्यों जीत सकती है? समाजवादी पार्टी इसलिए जीत सकती है, योगी सरकार ने ठीक काम है। क्या काम नहीं किया? उतना ही काम, आदमी बेरोजगार, बेरोजगारी कर ले। 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है भैया? बीजेपी। बीजेपी ही आखिर क्यों जीत सकती है? काम किया अच्छा योगी। क्या काम अच्छे का है? सड़क बनवाई, सब कुछ किया है ना, सब कुछ किया है, मेरी समझ से अच्छा किया है। एक युवा भाई है मेरे साथ, भाई 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों जीत सकती है? यहाँ पे उनके वोट ज़्यादा हैं। उनके वोट ज़्यादा हैं। कौन सी पार्टी जीत सकती है? अंदाजे से नहीं बता सकते बेटा अभी। तो क्या लगता है, किसका माहौल लगता है? सपा। सपा का माहौल, सपा का ही आखिर क्यों लग रहा है? तंग है। किससे तंग है? मौजूदा सरकार से। मौजूदा सरकार से तंग है। आइए कौन जीत सकता है? फिलहाल हमें तो लग रहा है बसपा जीतेगी। बसपा। बसपा क्यों? अब क्यों, क्या परिवर्तन तो लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहिए। यानी मतलब जो मौजूदा विधायक है इन्होंने कैसा काम किया है? काम बढ़िया किया है, काम खराब नहीं किया। लेकिन जनमत क्या करने लगता है ये तो, बाकी काम बहुत बढ़िया किया है। इतना विधायक आज तक हुआ है, रिकॉर्ड तोड़, इससे ज़्यादा काम कुछ नहीं। विधानसभा
लगता है भाई मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है इलेक्शन में? साइकिल क्यों जीत सकती है? आइए भैया से पूछते हैं, 2022 विधानसभा मोहम्मदी कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी क्यों जीत सकती है? अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छे काम किए हैं? खाना क्या खा रहे हैं उन्हीं का? अच्छा उन्हीं का खाना खा रहे हैं। अच्छा भैया से पूछते हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बोलो भैया से पूछते हैं, यहाँ पे भैया जानकी रसोई भी चला रहे हैं और भरपेट खा सकेगा जरूरतमंद, कोई भोजन दिया करेगी माँ जानकी रसोई। भैया कब से रसोई चला रहे हैं आप? 2 साल हो गए। अच्छा भैया 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? योगी जीत सकते हैं। योगी क्यों जीत सकते हैं? क्या विकास किया है? बीजेपी क्यों जीत सकती है? बढ़िया काम कर रहे हैं, गल्ला मिला कॉलोनी मिला ही लेट्रीन की दवाई निकाल ले सबको बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम किए हैं? सब काम करेंगे, रोड बन गई और रोड बन गए, सब काम करेंगे, थोड़े को आखिरी कर दिया। और यहाँ पे युवा लोग बैठे हैं, युवा भाइयों से पूछते हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी क्यों जीत सकती है? बीजेपी सारा अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? सड़कें गड्ढा मुक्त हो रहा, राशन फ्री मिल रहा, लैट्रीन मिल रही है और कॉलोनियाँ भी मिल रही हैं यहाँ सारे सब लोगों। और इस समय हम तो बैठे गड्ढे में ही हैं। नहीं नहीं ये तो बन रहा है। बन रहा है, ये तो बन रहा है। अच्छा और दूसरा दिन में ये बन जाएगा। बन जाएगा। और भैया एक कूलर में चाय पी रहे हैं, भैया से पूछते हैं, भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए। भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? भैया कोई पार्टी अच्छा हुआ था। आपको क्या लगता है? लगता हमें तो लग रहा है सपा है। सपा क्यों लग रही है? सपा के भी काम बहुत अच्छे हैं ना, हमें सपा लग रहा है, इस समय सपा है। सपा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मोहंडन है, इसीलिए कह रहा है। 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी। अच्छा बीजेपी का राज आखिर क्यों चल रहा है, क्या वजह है? अच्छा रहा है और काम भी अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं? विकास करण भी रहा है, पहली बात तो कोरोना काल में उन्हें जो काम किया राशन वाला काम वितरित किया ये भी अच्छा रहा है, फ्री गल्ला दिया, आवाज दिया, जिसने 3-3 लाख रुपए कभी देखे नहीं होंगे उनको कॉलोनी मिली है, एक एक परिवार को 6-6 कॉलोनी मिली है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी है कि ये भाजपा मुस्लिम और हिंदू में कोई बैर नहीं है, बरबर आप चले जाइए 80% मुस्लिम लोगों को कॉलोनी मिली है जो कि माने रखता है, भाजपा कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय बात नहीं करती है। और विकास कार्य हो रहा है, सब अच्छा काम चल रहा है, रोडों से लेकर हर चीज़ का। और यहाँ पे लोग चौखा बाटी का एंजॉय कर रहे हैं। भैया से पूछते हैं, भैया 2022 विधानसभा चुनाव कौन मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी, मोदी सरकार, बस और कोई नहीं। क्यों मोदी सरकार ही क्यों? वो सब कुछ करता है और कोई नहीं करता है। अच्छा क्या करता है? वो सबको जिन्हें खाना पीना देता है, सब पैसा सबको देता है मोदी जी। अच्छा आइए भैया से पूछते हैं, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? सर्दी का मौसम है, बारिश मुझको पारा बढ़ रहा है और सर्दी का भी और इलेक्शन का भी चुनाव का भी। मोदी से बढ़िया भैया सुनो बात सुनो, 2022 मोदी 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी के ही चांस क्यों है? ये इसलिए है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, सरकार रोजगार दिया है, देख रहे हैं सबको। हर कोई मौजूद है मोहम्मदी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोहम्मदी की मशहूर चाट की दुकान राम भरोसे चाट भंडार। और 2022 का इलेक्शन भी आ रहा है, बारिश का मौसम है, सर्दी का पारा बढ़ रहा है, उसी के साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। आइए पूछते हैं भाई लोगों से, यहाँ पर छोले भटूरे लोग खा रहे हैं और भाइयों से पूछते हैं, भाई 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाजपा क्यों जीत सकती है भैया? भाई बताइए। और भाई देखिए यहाँ के छोले भटूरे इतने अच्छे हैं भाई, खाने में मस्त हैं। आइए अंकल से पूछते हैं, 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? क्या लगता है आपको? बीजेपी खा रहे हैं और पकौड़ी खा रहे हैं और काफी फेमस है यहाँ का। भाई से पूछते हैं, भाई मोहम्मदी विधानसभा 2022 में कौन सी पार्टी? कमल क्यों चुन सकता है?
अपना हिसाब है। और अंकल है, अंकल से पूछते हैं, अंकल शर्मा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, लेकिन अंकल आप बता दीजिए 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाजपा नहीं जीतेगी, बाकी कौन जीतेगी? तो कौन सी जीत सकती है? समाजवादी जीत सकती है, समाजवादी जीत सकती है। और यहाँ पे एक और भैया है, भैया 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? कमल का फूल घर का जीतेगा। कमल का फूल ही क्यों जीतेगा? क्या क्यों जीतेगा? कमल के फूल के हम कैंडिडेट हैं। अरे आप कैंडिडेट हैं? बिल्कुल, हम तो भाई जहाँ कहीं कोई अपना बंदा हो, लेकिन चाहिए कमल का फूल। अच्छा, और ये देखिए गर्मा गर्म क्या बन रही, कचौड़ियाँ बन रही भैया, क्या है ये कचौड़ियाँ? और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही, उसी के साथ राजनीति गर्माती जा रही है मोहम्मदी विधानसभा की। और भैया से पूछते हैं, भैया कचौड़ियाँ कब से बना रहे हैं आप? 15 सालों से बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी क्यों जीत सकती है? आइए अंकल हैं, देखिए अंकल गमछा भी भगवा डाले हैं। अंकल 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीत सकती है? कांग्रेस जीत सकती है। 2022 मोहम्मदी विधानसभा कौन सी पार्टी जीतेगी? अगर यहाँ पे भूपेन प्रताप जी को अगर सीट मिलती है तो हार जाएगी। हार जाएगी, तो कौन यहाँ पे आ सकता है इस बार? अगर कोई नया प्रत्याशी आता है तो जीत आएगा। अच्छा, कौन सी फिर भी फिलहाल कौन सी पार्टी नंबर 1 पे रह सकती है? नहीं, तो नंबर 1 पे तो है बीजेपी ही रहेगी। हाँ, लेकिन पार्टी अगर टिकट जिनको देती है तब शायद कंटर जुड़ना हो। तो कौन कैंडिडेट आ सकता है? कैंडिडेट जो भी आ जाए यहाँ पे, कांग्रेस व्यक्ति भी हैं और भी कई चेहरे हैं, तो यहाँ के जो है निकलना चाहिए, करना बनना। हमारे यहाँ की नगर की तो ये हालत भी गंदगी है, इसका हिसाब ही नहीं है। दिखाइए, ये देखिए नाली पीछे भरी बन जा रही है, देखो सब गंदगी भरी पड़ी है, देखो पूरे चौराहे की हालत है। नंबर 1 का चौराहा है यहाँ भैया, ये चौराहा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, मोहम्मदी का नंबर 1 चौराहा है, और आप हाल देख सकते हैं यहाँ का। 2022 विधानसभा चुनाव मोहम्मदी कौन सी पार्टी जीत सकती है? मेरी समझ से बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के कुछ कार्य अच्छे हुए हैं। क्या कार्य अच्छे हुए हैं? जैसे कि हम लोगों को दुकानदारों के तौर पर बहुत तसल्ली हो रही है कि ना तो कोई गुंडागर्दी हो रही है, ना तो कोई परेशानी हो रही है अदरवाइज किसी से भी। तो पहले की सरकार में गुंडागर्दी हुआ करती थी क्या? लगभग हुआ करती थी, लेकिन क्लियर नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग दुकानदार हैं तो हमारे ये सब बराबर होती है। लेकिन हाँ, हम इतना डर जरूर रहता था कि कहीं कोई भी अगर राज आए तो उनके लिए अगर जैसे किसी जगह रुपये मांगने पड़ते तो मांगते नहीं थे। अच्छा, पहले बार कोई गाड़ी बाहर खड़ी कर देता था, हम लोग हटाते तो हटवाते थे। अब ऐसा है कि किसी से भी बोल देते भाई थोड़ा हटा लो तो आदमी हटा लेता है, मान जाता है। यहाँ पर पहले सभी झगड़े बहुत हुआ करते थे, अब वो भी बहुत कम हो गया। जैसे किसी को हल्की करना या अदरवाइज कोई भी काम, तो वो बहुत कम हुआ है। अब से यहाँ पर हम लोगों को इतने सुरक्षित माहौल में लगाया, ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज बहुत सुरक्षित माहौल में बैठे हैं। और पहले डर सा बना रहता था, समय के हिसाब से पता नहीं कब किसे झगड़ा हो जाए। पहले की सरकारों में आपका कहने का मतलब डर बना रहता था? जी,